बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे से मुलाकात, केंद्र की मोदी सरकार पर क्या बोले, मिशन 2024 पर क्या कुछ कह दिया। अभी जो हम लोग आए हुए हैं उसका मकसद उन्होंने बता दिया। हम लोग चाहते हैं कि पूरे देश में अधिक से अधिक पार्टियां एकजुट हों और मिलकर के हम लोग लड़ेंगे। तो आपने तो बात बता ही दिया है, सब लोग तो आए ही हुए हैं इनसे मिलने के लिए, बातचीत तो होती रहती थी, लेकिन ये तय था कि एक दिन हम लोग आएंगे। इन्होंने आज ही का समय दिया और आज जो इनका मामला था जिसके बारे में जानते ही हैं, इनके साथ जो अन्याय हुआ था, अब जिस तरह से जो फैसला आ गया तो बहुत अच्छा हुआ है। तो इन्होंने खुद ही बता ही दिया है। और किसी भी प्रकार से एक तो आश्चर्य की बात है कि पार्टी के नाम को कैसे कोई बदल सकता है। तो इन सब चीजों को लेकर के तो हम लोग सब दिन तो अपनी बात अपना इनके साथ हम लोग रही हैं, लेकिन अभी जो हम लोग आए हुए हैं उसका मकसद इन्होंने बता दिया। हम लोग चाहते हैं कि पूरे देश में अधिक से अधिक पार्टियां एकजुट हों और मिल करके हम लोग लड़ेंगे। तो आज जो केंद्र में हैं वो पूरे देश के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं और समझ लीजिए इतिहास बदल रहा है। इसलिए इन सब चीजों को देखते हुए अपने देश के हित में और आजादी की लड़ाई हुई और किस तरह से देश आजाद हुआ है और कितना ज्यादा काम होता रहा है पहले से, काम तो करते नहीं। अब आप सब लोग मीडिया के साथी, हम आपका नमन करते हैं, आपके हम खिलाफ नहीं कुछ बोल सकते, लेकिन हम जानते हैं ना कि आप लोगों के ऊपर भी किस तरह से किया है कब्जा, कि कोई कोई बात तो थोड़ा बहुत आप कह दीजिएगा, लेकिन ज्यादातर वो लोग अपनी तरफ से प्रचार करवा रहे हैं। काम क्या कर रहे हैं देश में बताइए, कहीं कोई काम हो रहा? और अलग अलग राज्यों में दूसरे पार्टी के लोगों ने जो काम किया है उसके बारे में तो उतना चर्चा भी नहीं होता। तो इसीलिए देश के हित में जरूरी है कि भाई देश आगे बढ़े और आपस में किसी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए। कोशिश क्या हो रही है, समाज में एक तरह का विवाद पैदा हो और ये नहीं होना चाहिए। सब में एकता, हिंदू मुस्लिम कोई भी जाति के हो, सब में कोई विवाद नहीं होना चाहिए, एकता रहनी चाहिए। तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पार्टियां एक साथ मिलकर के काम करेंगी। और इस बीच में बहुत लोगों से बातचीत हो गई है, आज तो इनसे ऐसे हमारी बात हम लोगों की होती रहती आई ही है, आज भी बात करेंगे। अब इसके बाद ये तय होगा कि कब मीटिंग सब लोगों की होनी। तो अभी तो एक राउंड आप जानते ही हैं, पिछले महीने भी हम लोगों ने बातचीत किया और जिस तरह से बातचीत हुई है अनेक पार्टियों से, बहुत लोगों से बहुत अच्छी बातचीत हो गई है। अब उसके बाद आगे जो करना होगा वो हम लोग करेंगे। लेकिन अभी तो आए हैं, बस यही मकसद है इनका और हम लोगों का विचार तो एक ही है ना, भाई देश के हित में काम करेंगे। कोई तरह से जो हमारा पुराना इतिहास है देश का उसको बिल्कुल कायम रखेंगे। तो ये सब चीजों के लिए करेंगे। इन लोग को अपना कर रहे हैं ना, इन लोग का आजादी की लड़ाई से क्या मतलब था, इनको कोई मतलब नहीं। अब वो सोच लीजिए कितना कोई काम हो रहा है अपने अपने ढंग से, नई नई चीजों का नामकरण कुछ भी होते रहता है, ये तो विचित्र बात है। तो इसीलिए जरूरत इस बात की है कि एकदम पूरे देश को एकजुट करना है और आगे बढ़ाना है। तो अगर सभी लोग एकजुट होकर के करेंगे और उनका जब मुकाबला होगा अगले साल के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, तो खूब अच्छी तरह से सफलता इधर मिलेगी और फिर देश सही दिशा में आगे बढ़ जाएगा।